नमस्कार साथियों, हो सकता है आपको स्क्रीन पर चल रही पिक्चर को देख के हंसी आ रही हो, बट ये मुद्दा हंसी का नहीं है। आज अपन एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसको लेके इंडिया के कोने कोने से छात्र परेशान हैं, वो है एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा क्यों बहुत ही जल्द कराएगी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा, और आपने ये भी पढ़ा कि ये सब आप लोगों के दम पर है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब आपके दम पर क्यों है। दोस्तों दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारतीय युवा रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल को ट्वीट करते हैं और परीक्षा को लेकर प्रश्न खड़े करते हैं। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ट्वीट तो बहुत करते हैं लेकिन परीक्षा को लेकर कोई ट्वीट नहीं करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी द्वारा किए गए ट्वीट और छात्रों द्वारा किए गए उनके ट्वीटों पर कमेंट। दोस्तों आप इन ट्वीटों को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं बिना किसी देरी के आपको जल्दी से सारे के ट्वीट दिखाता हूं और आपको दिखाता हूं कि रेलवे ने क्या नोटिफिकेशन आउट किया है परीक्षा को लेके, क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। दोस्तों आइए मैं अब आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूं और आपको नोटिफिकेशन के बारे में सारा का सारा डिटेल अच्छे में क्लियर कराता हूँ। दोस्तों जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, ये रेलवे बोर्ड इलाहाबाद द्वारा नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में दोस्तों खास ये है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो दोस्तों, सबसे काम की चीज़ आपके लिए ये है। ये दोस्तों सबके काम की चीज़ है आपके लिए। दोस्तों अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस नोटिस में क्या है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये नोटिस क्या है, नेम ऑफ वर्क। दोस्तों इसमें ये बताया गया है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। दोस्तों जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है उसमें दो चरण होते हैं, मतलब ये एजेंसी दो चरण में आपका एग्ज़ाम कराएगी। जैसे कि आप ये पढ़ पा रहे हो प्री बिड। दोस्तों प्री बिड और टेक्निकल बिड दो चीज़ें होती हैं। दोस्तों प्री बिड ये होता है, इसमें रेलवे के कुछ चुनिंदा ऑफिसर ऐसी कंपनियों से बात करती हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं और उनसे सारा का सारा ब्यौरा लेती हैं कि उनके पास कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगी। उसके बाद ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो दूसरे चरण की बात करती हैं, जिसको दूसरे चरण को टेक्निकल बिड या टेक्निकल चरण कहते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी के पास कितने सारे कंप्यूटर हैं, कंपनी कितने दिनों में पेपर को कंडक्ट करवाएगी, डाटा चोरी ना हो, रूल्स कैसे अप्लाई किए जाएंगे, कौन से स्टेट में कितने दिनों में पेपर होगा और कॉपियों की चेकिंग कैसी होगी और ढेर सारे रूल। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो बिडिंग स्टार्ट डेट। दोस्तों जो आपकी बिडिंग हो रही है, मतलब जो कंपनी से बात होगी वो कब से होगी, 3 अगस्त से बात होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। दोस्तों अब मैं ये आगे दिखाता हूँ जो टेक्निकल बिड होगी वो कब से होगी। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरी डिटेल में वीडियो। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये ऊपर निकल गई है, देखो ये आप देख सकते हो डेट एंड टाइमिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड, ये आप देख पा रहे हो। जैसे कि ये 17 तारीख से, दोस्तों 17 तारीख मतलब 17 अगस्त को इस पे बात होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना व्यू दें और ये बताएं कि आपकी क्या राय है रेलवे परीक्षा को लेके। दोस्तों ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर भी जाकर चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया इलाहाबाद की वेबसाइट, आप दोनों साइटों पर जाकर चेक कर सकते हैं। और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन विनोद कुमार यादव जी हैं उनके द्वारा परीक्षा को लेकर क्या कहा गया है, आइए मैं आपको उनका मीडिया के कॉन्फ्रेंसिंग का वीडियो दिखाता हूँ। सिलेक्शन होता है एनटीपीसी का, जो पॉपुलर कैटेगरी है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी उसको बोलते हैं। एनटीपीसी इज नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में हमने वैकेंसी अनाउंस करी थी करीब 35,200 की। क्या होता है उसमें, 1,60,00,000 1.6 करोड़ एप्लीकेशन आई हैं, 1,60,00,000 एप्लीकेशन आई हैं। और ये जो एनटीपीसी का जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं, पिछले 3 सालों में जो भी हमने रिक्रूटमेंट किया है, इसमें समय लगता है। समय इसलिए लगता है कि 1,60,00,000 एप्लीकेशन को पूरा स्क्रूटनी की जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, उनके सब कुछ चीज़ें मिलान करके, और उसके बाद से आपको पता होगा कि ये कंप्यूटर से सारे एग्जाम होते हैं, इसके एग्जाम सेंटर्स पे होते हैं, ये एग्जाम महीनों चलते हैं। कैंडिडेट्स आपने देखा होगा कि जब ये एनटीपीसी का एग्जाम होता है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ट्रेवल करते हैं ट्रेनों में, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो ट्रेवल करके जाते हैं। 1,60,00,000 लोगों को चाहे हम कितना भी उनके एग्जाम सेंटर उनके घर के पास रखने की कोशिश करें, उनको ट्रेवल करना पड़ता है। तो ये हमने पूरी तैयारी कर ली थी लॉकडाउन से पहले, स्क्रूटनी वगैरह सारी कंप्लीट कर ली थी। वी वेयर इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग दोज सेंटर्स
जहाँ पे कि इनका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर हम सेलेक्ट करने वाले थे, और इसके बीच में ये जो वैश्विक महामारी आ गई, बिना बताए आ गई, और वैश्विक महामारी में जिस तरह से समस्या आ गई, इस समय हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको करें, लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि 1,60,00,000 लोगों का एग्जाम हम शुरू करने से, जो ये कोविड की सिचुएशन है, इसको एसेस करना पड़ेगा, और उसको एसेस करने के बाद ही हम ये एग्जाम कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से सारे कैंडिडेट्स को ये भरोसा दिलाता हूँ कि इस समय ये जो वैश्विक महामारी है, जिसमें कि सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मिलके इस वैश्विक महामारी की लड़ाई को जीतना है, और जैसे ही स्थिति सुधरेगी, जैसे ही थोड़ा सा ये संभव होगा हमको कि एग्जाम सेंटर्स मिल जाएंगे और वो होगा, तो हम एक शेड्यूल लगाएंगे शेड्यूल हो जाएगा, इस पे हम एग्जाम कराएंगे। थैंक यू। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, सर ही इज आस्किंग दैट देयर आर सम मीडिया क्वेरीज रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस गोइंग ऑन in Indian Railway, sir. Okay. In 2018, we started the process, so there are some concerns that some of people have not received the call letter, sorry, the appointment letters and offer letters. So he just wanted to know, sir. देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि सबको कॉल लेटर मिलेगा, और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दे देता हूँ। दो तरह के रिक्रूटमेंट चल रहे थे, एक असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का, और असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में करीब 48,00,000 कैंडिडेट्स थे। 48,00,000 कैंडिडेट्स का हमने एग्जाम लिया, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से लिया, बहुत सक्सेसफुली उसको कंप्लीट किया, और उसमें हमने अपॉइंटमेंट लेटर्स काफी इशू कर दिया है उसमें। उसमें मैं आपके माध्यम से सबको एश्योर करना चाहता हूं कि ये जो एएलपी के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, वो सबको इशू कर दिए जाएंगे। इसमें खाली समस्या जो आई है, जो इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसमें जो वैकेंसी सर्कुलेट करी थी हमने 64,371 हमने वैकेंसी सर्कुलेट की थी, और ये जब वैकेंसी हम सर्कुलेट करते हैं और जब इतने ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं, 47.4 लाख कैंडिडेट थे, तो ये जो हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, तो इसलिए जब भी हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं, अगले एक साल तक की वैकेंसी वर्कआउट करके, एंटीसिपेटेड वैकेंसी, कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं, और वो एंटीसिपेटेड वैकेंसी कैलकुलेट करके हम ये रिक्रूटमेंट करते हैं। ये जो हमने रिक्रूटमेंट किया, इसमें दिसंबर 20, आज हम जून 2020 में हैं, दिसंबर 2020 तक की वैकेंसी को लेके हमने सर्कुलेट किया था, और इसमें जो पैनल हमने अप्रूव किया था वो 56,378, और आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूं कि जो वैकेंसी सर्कुलेट हुई थी 64,371, उतनी वैकेंसी फिलअप होगी। वो एक उसका तय प्रोसीजर है, और उस हिसाब से वो पैनल इशू होता है, और उस हिसाब से अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं। अब ये कोविड-19 की सिचुएशन में दो समस्याएं आई हमको, ये जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन हैं, ये हाईली टेक्निकल जॉब है, ये जैसे ही ज्वाइन करते हैं, अगर उन्होंने आज हमको ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी, तो उनको हम नेक्स्ट डे ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, जब तक उनको हम लोको की ट्रेनिंग ना दें, और या टेक्नीशियन को टेक्निकल ट्रेनिंग ना दें, वो रेलवे में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हम उनको ज्वाइन करा के, और उनसे हम कोई काम नहीं करा सकते हैं, प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग क्लियर करें। सो ये जो तीन स्टेज में बताता हूँ आपको, कि एक
एग्जाम होके सब कुछ हो गया, उसके बाद से पैनल अप्रूव होके डिक्लेयर हो गया, उसके बाद से अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं जैसे जैसे ट्रेनिंग के स्लॉट आते हैं, बिकॉज जैसे उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं उनके हम ट्रेनिंग एलोकेट कर देते हैं कि आप यहाँ जाके इतने महीने की ट्रेनिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये जो लॉकडाउन हुआ और ये जो COVID-19 की सिचुएशन आई, इसमें सबको समस्या हुई, ट्रेनिंग हमको रोकना पड़ा है, ट्रेनिंग रोकनी पड़ी है, और इससे ये जो सारा प्रोसेस है थोड़ा सा ये डिले हो गया, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं सबको भरोसा दिलाता हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैसे हम ट्रेनिंग को फिर से शुरू कर पाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप करके, क्योंकि उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसा है जिसको कि हमको फील्ड में ट्रेनिंग देनी ही पड़ती है, उनको सर्टेन आवर्स कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो उनको लोगों की ड्राइविंग की ट्रेनिंग देनी होती है, सब होती है। मैं कैंडिडेट्स को भरोसा दिलाता हूँ कि भारतीय रेल उस पर सिंसियरली काम कर रही है, और ये हम देखेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं इशू हो पाए हैं वो अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाए और उनको ट्रेनिंग को स्लॉट करके उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, और जहां हमने जितनी वैकेंसी हमने 64,371 जो एडवर्टाइज की थी लेवल तक इस पे अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जाएंगे, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से सारे कैंडिडेट। रेवेन्यू क्वेश्चन, the question was about the question was about the revenue from shramik special express trains, the shramik special trains to railways, and the average fare that railways got from these trains, average fare per passenger. See, the average fare we got around 600 rupees. And we have carried more than 60 lakh passengers. So you can just find out what is the revenue. But only thing I would like to mention that these fare was fixed only as per the normal rate of the Mail Express train. ये special train के हिसाब से इस fare को नहीं fix किया गया था, और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि जो इन श्रमिक special train को चलाने में जो खर्चा आ रहा है और जो एक ये फेयर हमने फिक्स किया जो कि बिल्कुल मेल एक्सप्रेस ट्रेन का नॉर्मल फेयर है, उसकी वजह से जो कलेक्शन आ रहा है 600 रुपये एवरेज पर पैसेंजर, 60 लाख से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेवल कर चुके हैं, वो जो खर्चा हमारा स्पेशल ट्रेन का आ रहा है उसका खाली 15% की रिकवरी हो पा रही है, 85% जो इसका खर्चा है वो भारतीय सरकार खुद वहन कर रही है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।